हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वीडियो पर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को खानपान में शामिल करने के बारे में बात करते हैं जो मुंह के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के साथ साथ इनके सेवन से शरीर भी सेहतमंद रहता है। लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो आए हम मुंह के स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रख सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। मुंह के स्वास्थ्य को अधिकांश लोग उतना महत्व नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। इसकी उपेक्षा करना मुंह की गंभीर बीमारियों के जोखिम में डाल सकता है, इसलिए कुछ खास खाद्य पदार्थों को खानपान में शामिल करना सुनिश्चित करें जो मुंह के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारे मुंह में एक समय में 6 अरब से अधिक सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ खराब। ये जीव मुंह से बचे हुए भोजन पर हमला करते हैं, यही प्लांग टार्टर दांतों के बाहर पीले या सफ़ेद पैच के रूप में दिखते हैं और सांसों की बदबू, मसूड़ों की सूजन आदि का कारण बनते हैं। ऐसे कई आहार हैं जो दांतों की समस्याओं से लड़ने में मदद करते हैं। मुंह के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने दैनिक आहार में शामिल करने के लिए सबसे पहले हम मेवे, किशमिश और बेरी के बारे में बात करते हैं। शोध कहते हैं कि मेवे बैक्टीरिया से लड़ते हैं जो कैविटी और मसूड़ों की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसका सेवन दिन भर में 10 से 15 ग्राम कम से कम करना ही चाहिए। और अब बात करते हैं नारियल पानी और ग्रीन टी। चाय और कॉफ़ी दोनों ही मुंह के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माने जाते हैं। ये दांतों को दागदार बनाते हैं और इनेमल को क्षति पहुंचाते हैं। ग्रीन टी और नारियल पानी जैसे पेय पदार्थों को जरूर अपनाएं और दांतों के इनेमल की भी रक्षा करें। दिन भर में 200 से 500 मिली सेवन जरूर करें। अब बारी आती है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसे एक सुपर फूड के रूप में भी जाना जाता है और यह बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है जो कैविटी, प्लाक, दांतों की सड़न का कारण बनते हैं। यहाँ तक कि ये मसूड़ों के उपचार में भी सुधार करती है। इसे एक दिन में अधिकतम 10 से 15 ग्राम लेना ही चाहिए। और अब बात करते हैं अदरक के बारे में। अदरक के गुण हमारे मुंह के स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यह हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसका भी दिन में 0.5 ग्राम सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। अब बात करते हैं फल और सब्जियों की। फल और सब्जियां चबाने से दांतों से प्लाक हट जाता है और मुँह को साफ करने वाली लार के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऐसे में आहार में कई रंगों के फल और सब्जियों को शामिल करने से निश्चित रूप से स्वस्थ मसूड़े प्राप्त करने में मदद मिलती है। दिन भर में इसका सेवन 300 से 500 ग्राम करना अच्छा होता है। अब बारी आती है डेयरी उत्पाद। दूध बढ़ते शरीर के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए, दांतों के लिए भी फायदेमंद होता है। दूध में मौजूद खनिज और प्रोटीन दांतों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि ये दांतों को मजबूत बनाते हैं, बनाने में मदद भी करते हैं। पनीर, दही, दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम, खनिज और प्रोटीन होते हैं। दिन भर में 300 मिलीलीटर दूध या 100 ग्राम दही का सेवन करना चाहिए। और ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि हर 6 महीने में अपना डेंटल चेकअप जरूर कराएं। खाने के बाद कुल्ला करना सुनिश्चित करें, चाहे नाश्ता किया हो या भोजन। साथ ही रोज दिन में 2 बार 2-2 मिनट ब्रश करने के बाद दिन में 1 बार फ्लॉसिंग करें। और डिहाइड्रेशन मुंह के स्वास्थ्य के लिए उतना ही बुरा है जितना कि यह शरीर के अन्य भागों के लिए बुरा है। पानी मुँह में बचे हुए खाद्य कणों को निकालने के लिए भी एक बेहतरीन माउथ क्लींजर है। दिन भर में 2-2.5 लीटर पानी कम से कम पीना ही चाहिए।